हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को डॉक्टर मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का कैसे किस तरह हम रिजल्ट निकालते हैं उसके ऊपर वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जैसे कि कई स्कूल है आसपास अवध यूनिवर्सिटी से कंटेक्ट, तो आइए आज हम इसी के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। तो आप आसानी के साथ कहीं के अवध यूनिवर्सिटी के टाइप से स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं रिजल्ट, या बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी डिग्री आप कर रहे हैं बैचलर में तो आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं यूनिवर्सिटी का रिजल्ट। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि डॉक्टर मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी टाइप करना पड़ेगा गूगल में। टाइप करने के बाद टू वी रिजल्ट पे क्लिक करना है। टू वी रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद कुछ प्रोसेस ओपन होगा। जैसे आप क्लिक किए यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी एनी रिजल्ट आपको देखना हो तो ये यूनिवर्सिटी पोर्टल पर आ जाना है। उसके बाद आसानी के साथ आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बहुत आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी पोर्टल थोड़ा ओपन हो चुका है। पोर्टल ओपन होने के बाद 2000 रिजल्ट 2020 और 2021 का दिखा रहा है, हमें रिजल्ट देखना है 2021 का। तो व्यू रिजल्ट पे 2021 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जितने कॉन्टैक्ट डॉक्टर मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय अयोध्या से कॉन्टैक्ट जितने स्कूल दिखाएंगे ये टोटल विद्यालय दिखाएगा, ठीक है। आप पहली बात तो आपको कौन सा रिजल्ट चेक करना है, इसमें टोटल डिग्रियाँ दिखा रही हैं तो हम चलिए एक पर्टिकुलर एक बीए थर्ड ईयर यानी बीए फाइनल का रिजल्ट चेक करते हैं 2021 का। बीए पार्ट थ्री इधर है, यहाँ पे क्लिक किए। क्लिक करने के बाद एक न्यू विंडो ओपन होगा जिसके ज़रिए आप अपने स्कूल का कोड पता होना चाहिए, आपका स्कूल का कौन सा कोड है। जैसे कि यहाँ बहुत सारे स्कूल दिखा रहे हैं तो आइए हम एक क्लान यूनिवर्सिटी जो क्लान के नाम से प्रसिद्ध है, 140 नंबर पे आता है शायद वो कोड, तो ये रहा स्कूल का नाम, विद्यालय का क्या नाम है, श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज सुल्तानपुर, ठीक है। तो आइए हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो यहाँ व्यू रिजल्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर आपसे रोल नंबर दर्ज मांगेगा, तो आप जैसे ही इसमें रोल नंबर क्लिक करेंगे, रोल नंबर डालते ही आपका एक जैसे ही इसमें आप रोल नंबर फिलअप करेंगे वैसे ही आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसे लगा, फिर एक नए वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक्निकल सोच पे बने रहिए, धन्यवाद।